हिंदी फिल्मों का एक ऐसा कलाकार जो अपने खौफनाक चेहरे की वजह से हॉरर फिल्मों के डायरेक्टर्स का चहेता बन गया। एक ऐसा विलन जो अपनी बेहद लंबी चौड़ी कटकाठी के चलते किसी दानव जैसा दिखाई देता था। ये जिस फिल्म में नजर आए उसमें हीरो के साथ इनका एक फाइट सीन जरूर दिखाई देता था। आज की इस वीडियो में हम आपको 1985 से लेकर 1995 तक बॉलीवुड में अपनी दैत्य जैसी पर्सनालिटी से एक्शन डायरेक्टर्स के फेवरेट रहे आरएस मलिक यानी गोरिल्ला एक्टर बॉलीवुड की जिंदगी का किस्सा सुनाएंगे। आरएस मलिक उर्फ गोरिल्ला की जिंदगी के बारे में जानकर यकीनन आप भावुक उठेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। गोरिल्ला एक्टर बॉलीवुड, इनका पूरा नाम था रामफल मलिक, लेकिन लोग इन्हें आरएस मलिक कहा करते थे। आरएस मलिक का जन्म कब हुआ था इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन ये हरियाणा के रहने वाले एक जाट थे और अपनी जवानी के शुरुआती दौर में ये पहलवानी किया करते थे। पहलवानी में इनके गुरु थे महान गुरु हनुमान सिंह। ये गुरु हनुमान सिंह के अखाड़े में पहलवानी किया करते थे। एक कुश्ती कंपटीशन के सिलसिले में ये एक दफा मुंबई गए थे। वहीं पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी आदमी की नज़र इन पर पड़ी। वो आदमी इनकी बेहद लंबी चौड़ी कटकाठी और भयानक से दिखने वाले चेहरे मोहरे से खास प्रभावित हुआ। उन दिनों रामसे ब्रदर्स बॉलीवुड में हॉरर फिल्में बनाने के मामले में अव्वल स्थान पर थे। रामसे ब्रदर्स के साथ अनिरुद्ध अग्रवाल जुड़े थे। अनिरुद्ध अग्रवाल अपनी लंबी चौड़ी कटकाठी और डरावने से चेहरे के चलते रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में भूत बना करते थे। अखाड़े में आरएस मलिक को देखने वाले शख्स को लगा कि अनिरुद्ध अग्रवाल की तरह ही ये भूतिया फिल्मों में सफल हो सकते हैं। 6 फीट 6 इंच लंबे और 150 किलो वजनी आरएस मलिक को जब उस आदमी ने फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया तो आरएस मलिक ने उस ऑफर को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आरएस मलिक को फिल्मों में काम करने का ऑफर देने वाले शख्स का नाम था खालिद और उसी ने इनका नाम फिल्मों के लिए गोरिल्ला रख दिया। इनकी पहली फिल्म 1985 में रिलीज हुई जिसका नाम था एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। ये फिल्म हेमंत बिरजे की भी डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के क्रेडिट्स में इनका नाम आरएस मलिक ही था, लेकिन आगे चलकर ये गोरिल्ला के नाम से ही मशहूर हुए। फिल्म में ये एक जंगली कबीले के सरदार के रोल में नजर आए थे। इनकी कटकाठी कितनी विशाल थी इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। इनका हाथ किमी काटकर के चेहरे से भी ज्यादा बड़ा था। गोरिल्ला ने अपने फिल्मी करियर में बॉलीवुड के लगभग हर बड़े एक्टर के साथ काम किया था। जूही चावला की पहली हिंदी फिल्म सल्तनत में भी ये नजर आए थे। उस फिल्म में सनी देओल इनके सामने किसी छोटे बच्चे जैसे दिखाई दे रहे थे। वही फिल्म अल्लाह रखा में जैकी श्रॉफ के साथ इनका फाइट सीन भी था और उस दौर में इन्हें काफी पसंद किया जाता था। इतना ही नहीं, फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में अमरीश पुरी के साथ अखाड़े में कुश्ती करते हुए भी आरएस मलिक नजर आए थे। फिल्म जादूगर में ये अमरीश पुरी के चेले बजरंगी बने थे। इसके अलावा आरएस मलिक उर्फ गोरिल्ला भूतिया फिल्मों में भी नजर आए। गोरिल्ला ने अपने फिल्मी करियर में कई बी और सी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया था और इन्होंने कई डरावनी फिल्मों में भी काम किया था। ये कई भूतिया फिल्मों में शैतान के रोल में नजर आए थे, लेकिन उस दौर में ऐसी फिल्मों में भूतों का रोल करने वाले कलाकारों का नाम क्रेडिट में नहीं दिया जाता था, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि इन्होंने कितनी और कौन कौन सी भूतिया फिल्मों में काम किया था। शहजादे, फरिश्ते, त्रिनेत्र, तहलका, वीरता और कई और दूसरी हिंदी फिल्मों में भी ये नजर आए थे, लेकिन इनकी फिल्मों का सही रिकॉर्ड अभी तक कहीं भी नहीं मिल पाया। इनका चेहरा काफी हद तक मशहूर भारतीय WWE पहलवान द ग्रेट खली से मिलता जुलता है।
इसलिए कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि द ग्रेट खली ही गोरिल्ला के नाम से फिल्मों में एक्टिंग करते थे, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। बात अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो साल 1987 में इनकी शादी बलविंदर नाम की महिला से हुई थी। इससे ज्यादा कोई भी जानकारी इनकी निजी जिंदगी के बारे में अब तक नहीं मिल पाई है। जब ये पहलवानी किया करते थे तो इनका एक दिन का खाने का खर्च 1000 रुपए होता था। दिन भर में ये 1 किलो बादाम खाते थे और 14 लीटर दूध पीते थे। उस दौर में इन्हें कुश्ती कॉम्पिटिशन के दौरान 4000 रुपए रोज मिला करते थे। साल 1995 में ये जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और शाहरुख खान स्टारर त्रिमूर्ति फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें गैंग्रीन नाम की बेहद खतरनाक बीमारी हो गई। इनकी तबीयत खराब होने लगी। खराब तबीयत के बावजूद ये फिल्म की शूटिंग करते रहे। इन्होंने इलाज कराने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन गैंग्रीन ने इनके शरीर पर अपना शिकंजा कसना जारी रखा। और फिर एक दिन इन्हें बेहद तेज बुखार आया और बुखार इतना खतरनाक था कि इनका भीमकाय शरीर भी उसे नहीं झेल पाया और आखिरकार इनकी मौत हो गई। मौत के बाद इनका रोल अनिरुद्ध अग्रवाल से कराया गया। आरएस मलिक उर्फ गोरिल्ला को शायद ही आज बॉलीवुड में कोई याद करता होगा। और ना जाने ऐसे कितने कलाकार हैं बॉलीवुड के जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल बॉलीवुड को दिए, लेकिन आज वो अपनी पहचान खो चुकी हैं। हमारे चैनल की यही कोशिश है कि ऐसे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी से आप लोगों को रूबरू कराया जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। और अगर आप किसी ऐसे कलाकार के बारे में जानते हैं जो आज अपनी पहचान खो चुके हैं, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।